हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी भी दबाएँ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आर फर्स्ट ग्रेड 2019 हज़ार उन्नीस है शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसके भाग पाँच के अंदर मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कमेंट करके अपनी राय दें और लाइक हमेशा किया करें आप परीक्षा तक हम एक हज़ार से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन कर लेंगे चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जेपी गिलफोर्ड का जो बुद्धि का सिद्धांत है उसको और किन किन नामों से जाना जाता है तो त्रियायामी सिद्धांत भी बुद्धि संरचना सिद्धांत और बौद्धिक संरचना मॉडल इन नामों से जे पी गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधित जो सिद्धांत है उसको जाना जाता है गिलफोर्ड के अनुसार त्रिआयामी मॉडल का क्रम है विषय वस्तु सबसे पहले फिर संक्रिया फिर उत्पाद यह गिलफोर्ड का जो त्रियामी मॉडल है उसका सही क्रम है विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद अब देखते हैं प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन का शाब्दिक अर्थ है यानी प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन क्या होता है तो पीछे की ओर लौटना अर्थात यूं कहें कि बाल्यावस्था की ओर जाना क्या प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन कहलाता है अब उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे कि एक वयस्क का कठिन परिस्थिति में बच्चों की तरह रोना कोई बड़ा आदमी वयस्क है कठिन परिस्थितियाँ आ गई तो वो बच्चों की तरह रोने लगता है यानी कि पीछे की ओर लौट रहा है अपनी बाल अवस्था की ओर लौट रहा है कहीं अंगूठा चूसते हैं तो ये प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन ही है विस्थापन से तात्पर्य अपना संवेग या गुस्सा दूसरे व्यक्ति पर निकालना अगर विस्थापन पूछ ली कि विस्थापन क्या है या उदाहरण देखिए पूछ लीजिए इसमें विस्थापन है कि प्रतिगमन है तो आपको ध्यान रखना है तो विस्थापन से तात्पर्य क्या हो गया अपना जो गुस्सा या संवेग है वो दूसरे व्यक्ति पर निकलना जैसे कि एक महिला जो अपने पति से झगड़ चुकी है झगड़ा हुआ है उसका पति से और वह अपने बेटे पर बरस पड़ती है अपने बेटे पर वो गुस्सा निकालती है तो ये विस्थापन का उदाहरण है या स्कूल में अध्यापक किसी बालक को पीटते हैं और वो घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है तो वहाँ का गुस्सा वहाँ निकालता तो ये क्या है विस्थापन है अगला देखिए व्यक्ति की जो इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती है उन्हें अचेतन मन में दबाना दमन कहलाता है यानी कि जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उनको अचेतन मन में दबा लिया जाता है और वही क्या कहलाता है दमन कहलाता है अब देखिए ये प्रश्न रक्षात्मक युक्तियों को समायोजन युक्तियाँ तथा अहम रक्षा युक्ति और मनोरचना भी कहते हैं जो रक्षात्मक युक्तियाँ होती है उनको समायोजन युक्तियाँ भी कहते हैं अहम रक्षा युक्ति भी कह सकते हैं और मनोरचना भी कहते हैं ये इसी के पर्याय है ध्यान रखिएगा ये अब देखते हैं सातवां में तो प्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन के किसी विशेष समस्या के स्थाई समाधान के लिए किया जाता है यह गेट्स व अन्य क्या कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष विधियाँ हैं उनका प्रयोग क्या होता है विशेष रूप से समायोजन के किसी विशेष कोई समस्या होती है उसकी स्थायी समाधान के लिए किया जाता है अगला देखिए रामा किशन रामा नाम का कोई है तो वो आर एस तो नहीं बन पाया लेकिन उसने फिर प्रथम श्रेणी अध्यापक बनने का प्रयास किया तो यह क्या है लक्ष्य परिवर्तन का उदाहरण है यह और भी प्रश्न लक्ष्य पर पूछ लिया जाए कि निम्न में से लक्ष्य परिवर्तन का उदाहरण है या लक्ष्य परिवर्तन क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि रामा आर एस नहीं बनने पर उसने प्रथम श्रेणी अध्यापक बनने का प्रयास किया तो यह उसने लक्ष्य परिवर्तन कर लिया अपना अब इस प्रश्न में देखते हैं पद्धति और प्रतिपादक एक तरफ पद्धति है और दूसरी तरफ प्रतिपादक है कई बार पूछा जाता है सबसे पहले बात करना है डाल्टन पद्धति तो डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं पार्क हर्स्ट मॉन्टेन्स्री पद्धति मारिया मॉन्टेन्स्री इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है पता है किंडन गार्डन पद्धति फ्रोवेल प्रायोजना पद्धति किलपेट्रिक प्रायोजना किलपेट्रिक बालचर पद्धति पावेल बालचर पद्धति पावेल अगला देखिए तो जिन्हें विशेष प्रशिक्षण या अतिरिक्त शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं जो बिल्कुल पढ़ने में डफर है बिल्कुल उनके लिए भी विशेष क्लासेज लगाई जाती है और जो बहुत होशियार हैं बहुत प्रतिभावान उनके लिए भी विशिष्ट विशेष क्लासें लगाई जाती है तो दोनों इसके अंदर आते हैं तो उन्हें विशेष प्रशिक्षण अतिरिक्त शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है किसके अनुसार बुद्धि योग्यताओं का एक संगठन है अल्फ्रेड बिन्ने अल्फ्रेड बिन्ने कहते हैं कि जो बुद्धि है वो योग्यताओं का एक क्या संगठन है उसमें अलग अलग योग्यताएं समाहित रहती हैं अभिवृत्ति की सामाजिक दूरी मापने अभिवृत्ति की सामाजिक दूरी मापनी किसने विकसित की तो बोग्स ने बोगार्ड्स ने अभिवृत्ति की सामाजिक दूरी मापनी विकसित की वहीं आगे हम बात करें इसी में तो लिकर्ट ने अभिवर्ती मापन की योग निर्धारण विधि बनाई प्रतिपादन किया कब 1932 में लिकर्ट ने अभिवर्ती मापन की योग निर्धारण विधि का निर्माण कब किया 1932 में सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग किया था एडोल्फ मायर्स ने शब्द का प्रयोग मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग तो एडोल्फ मायर्स ने किया था और वहीं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय जो है सी डब्ल्यू बी को जाता है सी डब्ल्यू बी ने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को प्रारंभ किया था और शब्द के प्रयोग की बात करें तो वो एडोल्फ मायर्स ने किया था और सी डब्ल्यू बी एड्स ने 1908 में ए माइंड दैट फाउंड इट्स सेल्फ ए माइंड दैट फाउंड इट्स सेल्फ पुस्तक की भी रचना की थी तो शुक्रिया दोस्तों ये थे कुछ विशेष प्रश्न अच्छा लगे तो फिर से निवेदन लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें